असल स्टूडेंट्स आई एम रिमशा सैर यूर ऑन स्क्रीन केमस्ट्री स्ट्राटर फॉर टुटोिया डॉट पी के स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आगे चलते हैं डिस्कस करते हैं हमारे चैप्टर के सेकंड पोर्शन को दैट इज सॉलिड्स तो स्टूडेंट्स बिल्कुल वैसे ही हम उन्हीं पैटर्न्स पे इसको डिस्कस करेंगे जैसे हमने लिक्विड्स को डिस्कस किया था सबसे पहले स्टूडेंट्स हम थॉरली डिस्कस कर लेते हैं काइनेटिक मोलिकुलर इंटरप्रटेशन ऑफ सॉलिड्स बिल्कुल वैसे ही जैसे स्टूडेंट्स हमने गैसेज के लिए की थी और आपने लिक्विड्स के लिए इसको डिस्कस किया था सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम इस बेसिस पे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स को डिफाइन कर लेते हैं कि ये स्लोली डिफ्यूज करते हैं यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास सॉलिड्स के अंदर बहुत क्लोज्ड पैक अरेंजमेंट होती है आपके पास स्टूडेंट्स जो सॉलिड होते हैं वो डेफिनेट वॉल्यूम पोजेस कर रहे होते हैं अनलाइक दैट ऑफ लिक्विड्स एंड गैसेस डेफिनेट वॉल्यूम प्रोजेस कर रहे होते हैं डेफिनेट शेप प्रोजेस कर रहे होते हैं उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास कंप्रेसिबिलिटी और एक्सपेंशन के जो फैक्टर्स होते हैं इन द केस ऑफ सॉलिड्स वो बहुत ज़्यादा मिनिमम होते हैं लेकिन इतने ज़रूर होते हैं कि आप उनको ऑब्जर्व कर सकें एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स के थ्रू यानी कि स्टूडेंट्स ये कुछ हद तक कंप्रेस भी हो सकते हैं लेकिन बहुत लिमिटेड लेवल तक उसी तरह स्टूडेंट्स जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जब इसके मॉलिक्यूल्स वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं एक दूसरे से दूर शुरू होते हैं तो स्टूडेंट्स ये एक्सपैंड भी करते हैं अपने वॉल्यूम के अंदर बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास क्योंकि सॉलिड्स एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर रखते हैं या कॉम्पैक्ट स्टेट ऑफ मैटर है तो स्टूडेंट्स इसके जो पार्टिकल्स हैं ये अपनी पर वाइब्रेट भी कर रहे होते हैं मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर फोर्स प्रेजेंट होती हैं स्टूडेंट्स इनके अंदर इन द फॉर्म ऑफ इनकी जो इंटरा मोलिकुलर बॉन्डिंग होती हैं इनके अंदर स्टूडेंट्स इंटरा मोलिकुलर फोर्सेज होती हैं इन टर्म्स ऑफ आइनिक बॉन्ड्स बॉन्ड्स मेटेलिक बॉन्ड्स जिसको स्टूडेंट्स हम आगे डिस्कस भी करेंगे वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं उसके अलावा स्टूडेंट्स अगेन ये जो एनर्जी अटेन करते हैं वो वह वाइब्रेशनलिक एनर्जी होती है वो क्यों स्टूडेंट्स क्योंकि स्टूडेंट्स ये क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट्स की वजह से ये अपनी मेन पोजीशंस पे वाइब्रेट ही कर सकते हैं देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं डिस्कस करते हैं कि आपके पास सॉलिड्स की क्या टाइप्स होती हैं हमारे पास अब स्टूडेंट्स आपके पास अगर डेफिनेट थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट होगी तो ऐसी तरह के सॉलिड को हम कहेंगे क्रिस्टलीन सॉलिड्स स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपके पास जो क्रिस्टलीन सॉलिड्स होते हैं वो एक डेफिनेट रिपीटेड सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर रख रहे होते हैं जिसका जो बेसिक यूनिट होता है उसको हम यूनिट सेल कहते हैं जो अपने आप को थ्री फैशन में रिपीट कर रहा होता है कॉन्टीन्यूसली अक्रॉस द होल पैटर्न इसको स्टूडेंट्स हम आगे डिस्कस भी करेंगे कि यूनिट सेल क्या होता है और आगे से वो क्रिस्टल कैसे कॉन्स्टिट्यूट करता है लेकिन स्टूडेंट्स जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं एमोफस से यानी कि सेकेंड टाइप्स ऑफ सॉलिश्स तो स्टूडेंट्स उनका जो थोड़ा स्ट्रक्चर होता है वो डिफॉर्म्ड होता है यानी कि वो थोड़ा सा स्टूडेंट्स आपके पास डिसऑर्डर स्ट्रक्चर होता है उसमें सिमिट्री या ऑर्डर नहीं होता यानी कि स्टूडेंट्स जो आपके पास अमोफस सॉलिड्स होते हैं उनमें आपके पास एग्जाम्पल है प्लास्टिक्स की उसके अलावा स्टूडेंट्स वैक्सीस की क्रिस्लिन सॉलिड्स में स्टूडेंट्स आपके पास जो एग्जाम्पल है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट की क्रिस्टल्स की वो आपके लिए इनफ है देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं हम डिस्कस कर लेते हैं इनके दरमान डिफरेंस को रेगुलर थ्री डी जोमेट्रिक शेप पोजेस्ट कर रहे होते हैं क्रिस्लिन सॉलिड्स जबकि एमोफस सॉलिड्स जो होते हैं उनकी कोई डेफिनेट ज्योमेट्रिक शेप

ऑर्डर प्रेजेंट होता है ये रीजन स्टूडेंट्स आपके पास बहुत स्मॉल साइज के अंदर प्रेजेंट होते हैं और कहीं कहीं प्रेजेंट होते हैं पूरी होल सिमेट्री ऑफ सॉलिड्स के अंदर एमोफस सॉलिड्स के अंदर स्टूडेंट्स इन डेफिनेट रीजनस को जो कि ऑर्डर प्रोजेस कर रहे होते हैं इनको हम कहते हैं क्रिस्टलाइट्स उसके अलावा स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि आपके पास जो क्रिसलिन सॉलिड्स होते हैं ये शार्प मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट प्रोजेस कर रहे होते हैं जबकि जो आपके पास एमोफस सॉलिड्स हैं वो शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स प्रोजेस नहीं कर रहे होते उसके अलावा स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि जो क्रिस्टलिन सॉलिड्स हैं आपके पास उनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होते हैं

जो कि मॉलिक्यूल्स की वजह से होता है देन स्टूडेंट्स आपके पास एक और एक प्रॉपर्टी आ जाती है कि जब आप हीट करते हैं तो आपके पास जो एमोर्फस सॉलिड है वो मजीद डीफॉर्मड होते हैं स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपके पास जो ग्लास है वो भी एमोर्फस सॉलिड की एग्जांपल है स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आप ग्लास को सुपर कूल लिक्विड्स भी कहते हैं देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं मूविंग फॉरवर्ड इंट्रोडक्शन और कंपैरिजन के बाद आगे चलते हैं डिस्कस करते हैं थोरली प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को थैंक यू